दोस्तों आप सभी ने मुझे देखा होगा कि मैं अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जब कहीं कुछ होता है तो मैं अपने वॉइस को रेज करता हूं, उन लोगों के लिए आवाज उठाने की कोशिश करता हूं, और ये आवाज इसलिए उठाता हूं ताकि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ जो कुछ भी दूसरे स्टेट्स में होता है वो सब रोका जा सके, उसे थामा जा सके, उनके लुक्स को थोड़ा अलग देख करके उनके ऊपर इस तरह के कमेंट ना किए जाए, उन्हें फॉरेनर ना समझा जाए, उन्हें प्यार से ट्रीट किया जाए, उनके साथ प्यार से आया जाए। और मैं ये जानता हूं कि एक ना एक दिन इस देश में, इंडिया के अंदर में ये दिन जरूर आएगा, और इसको लाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के ऊपर डिपेंड करता है, हम सब के ऊपर इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सभी को आगे बढ़ना होगा, और नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ जब कहीं कुछ हो रहा है तो अपनी आवाज को आपने उठाना होगा गाइज। अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ऐसा होता है कि अक्सर सेपरेट नॉर्थ ईस्ट टाइप के जो आवाजें हैं वो उठती रहती है, और मुझे भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें सेपरेट नॉर्थ ईस्ट कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, क्या नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट किया जा सकता है इंडिया से, क्या ये आसान सा काम है, क्या ऐसा करके जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है जो लोग ये कह रहे हैं कि सेपरेट नॉर्थ ईस्ट वो खुश रह सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना तो आप इंस्टा में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ भाई अगर आप चाहते हो मेरे व्लॉग्स देखना, अगर आप व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कर सकते हो भाई, जरूरी नहीं है करना, लेकिन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे पास हजारों के करीब कमेंट्स आ जाते हैं जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं, किसी वीडियो में बहुत सारे कमेंट होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैं अक्सर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बातें करता हूं, तो मुझे जो कमेंट है ना वो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो किसी के भी दिल को दुखा सकते हैं, मतलब मेरे दिल को भी दुखा सकते हैं और उन नॉर्थ ईस्टर्न भाइयों के दिल को भी दुखा सकते हैं जो कि भारत से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन कमेंट्स में ये कहा जाता है कि सेपरेट नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया, अगर आप किसी कमेंट में ये कहा जाता है कि अगर आप हम सबको भाई नहीं समझ सकते, इंडियन ही नहीं समझ सकते, तो भाई हमें इंडिया से बाहर कर दो, हम दूसरा नेशन बना लेंगे, एक नॉर्थ ईस्ट नेशन, और हम सब नॉर्थ ईस्ट के लोग खुश रहेंगे वहां पर। इस तरह के कमेंट आते हैं, बहुत सारे कमेंट जो होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें जो दिल्ली मुंबई या फिर अदर स्टेट के लोग हैं उनको प्यार सिखाया जाता है, उनको यह कहा जाता है कि आप नॉर्थ ईस्ट आइए, आपको नॉर्थ ईस्ट में प्यार क्या होता है वो समझ में आएगा। गाइस तो क्या नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से सेपरेट कर देना ये बहुत ही आसान है? तो गाइस मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल भी मुश्किल काम है, एक असंभव सा काम है कि आप नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से सेपरेट कर रहे हो। देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो हिस्सा है जिसपे जो है इंडिया को नाज है, क्योंकि इंडिया के अंदर में बहुत सारे खूबसूरत जगह है, लेकिन उन खूबसूरत जगहों में से सबसे खूबसूरत अगर कोई जगह है तो वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो 8 स्टेट्स आते हैं, वही 8 स्टेट्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ग्रीनरी भरपूर है यहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। साथ साथ भाई अगर इंडिया की बात की जाए तो यहां पर जितने भी एथनिक ग्रुप्स रहते हैं उनमें से सबसे ज्यादा एथनिक ग्रुप्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, और कोई भी इन एथनिक ग्रुप के लोगों को अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। तो अगर कोई ये कहता है कि बहुत मतलब सेपरेट कर दो नॉर्थ ईस्ट को, तो ये बहुत ही मुश्किल है। और साथ साथ भाई एक इंडियन होने के नाते बहुत ज्यादा दिल दुखता है जब किसी स्टेट को, किसी रीजन को एक देश से सेपरेट करने की बात की जाती है, वो भी इंडिया से जो कि मेरा देश है, जिसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। हां हर कहीं पर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जरूर होते हैं, वही प्रॉब्लम्स हमारे देश में भी है, लेकिन इनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, चाहे वो लोगों को एजुकेट करके हो, उनको पनिशमेंट दे करके हो, या कोई और मीन यूज करके हो, लोगों को एजुकेट करना, उनको समझाना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम
अलग होकर के बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो अलग हो जाते हैं, सपोज ये कभी नहीं होने वाला, लेकिन अगर अलग हो जाते हैं तो देखिए चाइना आपके सामने है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई हम चाइना चले जाएंगे, वहां में हमारा जो फेश है वो उनसे मिलता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं कि देखो जैसे ही हम सेपरेट हो जाएंगे, चाइना सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। और आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि चाइना में जाकर के बहुत ज्यादा हम खुश रहेंगे, डेवलप कंट्री है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, वहां पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, ये सब सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहां पर आप पूरी तरह से एक जो है कैदी की तरह हो जाओगे। वहां पर आपको रिलीजन, अपना रिलीजन फॉलो करने का राइट नहीं होगा, जो गवर्नमेंट कहेगा वही आपको करना होगा। आप चाहे तो किसी, आप अगर किसी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर में आप किसी को भी गाली दे देते हो, बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर को गाली दे देते, लेकिन वहां पर अगर वहां के प्रेसिडेंट के ऊपर अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई उनको जो है जेल के हवाओं के पीछे भेज दिया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। ये सब कुछ चाइना में होता है। हमें पता है कि इससे पहले जो है वो अलीबाबा के साथ क्या हुआ था, उन्होंने जब कमेंट किया था तो क्या हुआ था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो कि हमें फेस करना पड़ेगा। अब नॉर्थ ईस्टर्न लोग आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कहेंगे कि सेपरेट नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं कहेंगे, मुझे बताओ। जो भी इंडियन भाई, जो भी हमारे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मुझे बताए कि नॉर्थ ईस्टर्न लोग क्यों नहीं कहेंगे जब उनकी बहनों को इंडिया के दूसरे स्टेट्स में मर्डर की धमकी दी जाती है, एसिड फेंकने की धमकी दी जाती है, उन्हें चाइनीज कहा जाता है, चिंकी कहा जाता है, मोमो कहा जाता है, गो कोरोना गो कहा जाता है। भाई इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है। कहीं भी वो जाते हैं तो उनको एंटर करने नहीं दिया जाता, ये कहा जाता है कि चाइनीज आर नॉट अलाउड, बहुत सारी बातें हैं भाई। तो क्यों कोई बुरा नहीं मानेगा, क्यों वो सेपरेट होने की बात नहीं करेगा, जब किसी नॉर्थ ईस्ट के भाई को दिल्ली के अंदर में मार दिया जाता है, उनका मर्डर हो जाता है, वो भी एक एमएलए के बेटे को। तो भाई आप सोचो कि नॉर्थ ईस्टर्न क्यों सेपरेट होने की बात नहीं करेंगे भाई, जब नॉर्थ ईस्टर्न, जब कोई इंडियन यहां पर आता है उनके साथ प्यार से पेश आते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेवियर होता है, और उन्हीं नॉर्थ ईस्टर्न के साथ जब दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो बुरा व्यवहार होता है, तो भाई वो क्यों सेपरेट होने की बात नहीं करेंगे। तो नॉर्थ ईस्टर्न भाई जब भी सेपरेट होने की बात करते हैं, इन्हीं दुख तकलीफों की वजह से सेपरेट होने की बात करते हैं, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया के वो लोग हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत क्वेश्चन करते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं, किसी का रेप कर देते हैं, ये लोग रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और इन सब को सुधारने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम इंडियंस की है, हमको इन्हें एजुकेट करना होगा कि दे हु आर लुकिंग जस्ट लाइक द चाइनीज, दे आर नॉट चाइनीज एक्चुअली, दे आर इंडियन, और उनका लुक्स जो है ना चाइनीज से बहुत ज्यादा अलग होता है। आप एक फेशियल बना लेते हो, छोटी आंखें, ये वो, गोरा चेहरा, हाइट कम, तो आप एक चाइना वाला इंप्रेशन लेके आ जाते हो। भाई उनका लुक्स जो है चाइनीज से बहुत ज्यादा अलग होता है नॉर्थ ईस्टर्न्स का। तो उनके साथ प्यार से पेश आइए गाइस। अगर आप लोग प्यार से पेश नॉर्थ ईस्टर्न के साथ नहीं आओगे तो ये सेपरेट होने का जो डिमांड है ये बढ़ता रहेगा, लोग आवाजें उठाते रहेंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि पहले नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ करता था, आज के टाइम पर नॉर्थ ईस्टर्न मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मेन स्ट्रीम की तरफ आगे बढ़ चुका है, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी डिस्टरबेंस हो। तो प्लीज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को प्यार दीजिएगा, वो भी आपको बहुत सारा प्यार देंगे, और लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कीजिएगा जो भी नॉर्थ ईस्टर्न के अगेंस्ट में कुछ भी बोलते हैं। तो गाइस जो भी नॉर्थ ईस्ट के लोग ये कह रहे हैं कि सेपरेट नॉर्थ ईस्ट, तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट करके, इंडिया से अलग करके हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो इंडिया में रहते हुए उन लोगों के सोच को परिवर्तन करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, उन लोगों के सोच को चेंज करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, तब हम अपने इंडिया को, अपने नॉर्थ ईस्ट को और पूरे वर्ल्ड को आगे लेके जाएंगे, पीसफुल माहौल की ओर लेके जाएंगे, वरना डिस्टरबेंसेस क्रिएट होते रहेंगे गाइस। तो यही सब बातें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था गाइस। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्या मेरी बातें आपको सही लगी जरूर बताइएगा, और अगर आप मुझसे सहमत हो तो प्लीज लाइक करके, कमेंट करके आप क्या सोचते हो जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।